हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं तो काफी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि गाइस मैंने कुछ दिनों के लिए यूट्यूब छोड़ दिया था एंड फ्री फायर भी। बट गाइस जैसे ही मेरे को न्यूज आया, जैसे ही मुझे सुनाई दिया कि फ्री फायर बैन हो गया, तो गाइस मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। यार ऐसे कैसे हो सकता है, पबजी बैन हो गया यार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट फ्री फायर गाइस, फ्री फायर लवर है यार हम लोग को, मतलब पहली बार गाइस आप लोग भी सुने होंगे तो आप लोग के साथ भी ऐसे ही होगा, मैं 100% समझ सकती हूँ। बट गाइस सब लोग अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं कि फ्री फायर बैन हो गया, फ्री फायर बैन हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, फ्री फायर बैन हो गया माना, बट गाइस हमारे पास अभी फ्री फायर मैक्स है। और रही बात लो डिवाइस प्लेयर्स की, तो गाइस फ्री फायर तो मैक्स हमेशा रहेगा, तो उन लोग इन फ्यूचर कभी भी खेल सकते हैं ना। बट वो लोग शोक मना रहे फ्री फायर के जाने का, तो गाइस ऐसा कुछ मत करो यार। फ्री फायर बैन हो गया तो ये हमारे हाथ में तो था नहीं, और ये हमारे हाथ में है भी नहीं कि हम लोग उसे वापस लेके आए। बट गाइस फ्री फायर वाला गेरी ना, फ्री फायर वाला तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना हमारे लिए कि मतलब फ्री फायर बैन कर दिया, लो डिवाइस प्लेयर्स कैसे खेलेंगे वगैरह वगैरह। उसको तो कुछ पड़ी नहीं है गाइस, अभी तक उसने कुछ नोटिस भी नहीं दिया है, एंड नया नया टॉप ऑफ इवेंट वगैरह ला रहा है मैंने सुना। लेकिन गाइस जिसके पास फ्री फायर है अभी, नॉर्मल फ्री फायर मैक्स नहीं, फ्री फायर, तो वो गाइस वो लोग अभी आसानी से गेम खेल पा रहे हैं। फ्री फायर तो बैन हो चुका है ना फिर भी, और एयरटेल सिम से उसको नेट भी मिल रहा है, तो गाइस पता नहीं क्या सीन है। ये सब बोल रहे फ्री फायर बैन हो गया है, तो अभी तक तो फ़ोन से भी हटा देना चाहिए था आई थिंक, बट अभी तक फ़ोन में है, जिसके भी फ़ोन में वो खेल सकता है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि मेरे फ़ोन में भी फ्री फायर नहीं है, क्योंकि गाइस मैंने कुछ दिन पहले ही अभी अनइंस्टॉल किया था फ्री फायर, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा था 12th का। तो गाइस मैं तो फ्री फायर नहीं खेल सकती, और वैसे भी मैं इंस्टॉल अभी नहीं करूँगी अगर आ भी जाएगा तो। बट गाइस आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो यार, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को दिल पे क्या बीत रही होगी, बट नहीं गाइस ऐसा मत करो, अपने आप को संभाल लो, क्योंकि ये बहुत दुख की घड़ी है फ्री फायर प्लेयर्स के लिए, फ्री फायर लवर्स के लिए। तो इसलिए गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़्यादा दिल पर मत लो, क्योंकि फ्री फायर वाला कुछ ना कुछ तो करेगा ही, अगर कुछ नहीं भी किया तो फ्री फायर तो हमारे पास रहेगा ही ना, आई मीन फ्री फायर मैक्स। क्योंकि गाइस फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर में कुछ भी फ़र्क तो है नहीं, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा MB का है और हमारे फ़ोन में नहीं चलेगा। क्योंकि गाइस मैं भी एक लो डिवाइस प्लेयर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम। तो गाइस मैं तो खेल लूँगी, अपने फ़ोन में 3GB वाला फ़ोन है, 3GB रैम वाला, इसमें मैं स्मूथ वगैरह करके कैसे भी खेल लूँगी यार। और आप लोग भी ऐसे ही करना, अगर आप लोग के पास इससे भी ज़्यादा लो डिवाइस है तो गाइस आप लोग वेट ही कर सकते हो कि जब आपके पास अच्छा डिवाइस आएगा तब आप खेलोगे। और गाइस इसको लेके ज़्यादा मत सोचो यार, मैंने भी बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच लिया था, इसलिए मेरे भी सिर में दर्द होने लगा था, इसीलिए मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि ज़्यादा कुछ मत सोचो। और गाइस रही बात की वीडियो बनाने की, तो फिर उसके बारे में तो गाइस मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो मैं इसी डिवाइस में वीडियो वगैरह सब कुछ बना रही थी एंड अल्ट्रा पे खेल रही थी, बट आगे जाके क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। बट कोई ना गाइस मैं देख लेंगे गाइस, क्योंकि मेरी तरह और भी कई सारे लोग हैं जो 3GB वाले फ़ोन में वीडियो शूट करते हैं, तो फिर गाइस उन लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लाइक नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा या फिर ऐसा ही कुछ सीन हो जाएगा। बट फ्री फायर परमानेंटली बैन हो गया ये तो अभी तक पूरा अच्छी तरह से किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि गाइस यूट्यूब पे भी हम लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कोई भी नहीं बता रहा है कि फ्री फायर परमानेंटली बैन हो गया या फिर कुछ टाइम के लिए बैन हुआ है या फिर कुछ भी, मतलब गाइस कोई भी कन्फर्म कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग को इसको लेके बैठने से अच्छा है कि हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े, एंड फ्री फायर तो गाइस बस एक गेम है, और इसे ज़्यादा सीरियस लेके हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड गाइस मैं जानती हूँ कि हम लोग फ्री, मतलब तुम लोग फ्री फायर लवर हो, ऐसे बोलोगे कि ऐसे कैसे बोल रही है कि फ्री फायर तो बस एक गेम है, तो मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ गाइस क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा फील हो, क्योंकि बहुत दिन से बहुत बुरा बुरा न्यूज़ सुन के दिमाग ख़राब हो गया होगा इसलिए। एंड गाइस मार्च में सबके एग्ज़ाम्स आने वाले, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग वापस आएंगे फ्री फायर के अंदर, तो गाइस सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा। मैं तो यही सोच के अभी फ्री फायर को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हूँ, तो बस ये कहना चाहूँगी कि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियस ले लो गाइस, तो हम लोग की लाइफ भी बन जाएगी एंड फ्री फायर का प्रॉब्लम ये सब ठीक भी हो जाएगा और एंड पढ़ाई भी हो जाएगी। तो मेरा गाइस ये जो टिप्स है ये ज़रूर से फॉलो करना, और अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड मैं नहीं चाहती कि फ्री फायर बैन हो, और मैं भी जानती हूँ कि आप लोग भी नहीं चाहते कि फ्री फायर बैन हो, तो इसीलिए गाइस हम लोग बस प्रे कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अभी तो मैं नया वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, एक महीने बाद बनाऊंगी जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो गाइज सब्सक्राइब करके रख लेना यार, जब मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगी तो आप लोग तक पहुँच जाए इसलिए, और बेल वाले आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर से बोल रही हूँ, तब तक ले बाय बाय टाटा। गाइज इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए बोला, क्योंकि 3-4 दिन से ये नेटवर्क कनेक्शन एरर का प्रॉब्लम जब से आया तब से फ्री फायर बैन वगैरह ये सब न्यूज़ आने लगा एंड सारे फ्री फायर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो गाइज इसे कोई दिल पर मत लेना, नहीं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए।